लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है। महाराष्ट्र में हमने हमारे परिवार के साथ अभी अभी वोट दिया है और मैं सभी महाराष्ट्र के बहनों भाइयों को और विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों को ये अपील करना चाहता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर वो वोट करें, क्योंकि मतदान ये केवल हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारा कर्तव्य भी है। और लोकतंत्र में हम सरकार चुनते हैं और जिसको हम चुनते हैं उनसे ही हम अपेक्षा रखते हैं, तो अगर हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं तो वोट करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बढ़ चढ़कर सब लोग वोट करें। जहां तक विनोद तावड़े जी का सवाल है, मैंने कल भी स्पष्ट कर दिया, न उन्होंने कोई पैसा बांटा, न उनके पास कोई पैसा मिला। जानबूझकर एक बवाल खड़ा करने का प्रयास किया गया, एक इकोसिस्टम को यूज किया गया। जहां तक सुप्रिया सुले जी पर और नाना पटोले जी पर जो आरोप लगे हैं, जिस प्रकार से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ क्लिप्स उन्होंने जारी की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गंभीर इस प्रकार का प्रकरण है। और मैं आज इतना ही कहूंगा, इस प्रकरण की सिरे से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के एलिगेशन लगने के बाद वास्तविकता क्या है ये दुनिया के सामने आना बहुत जरूरी है। एलिगेशन बहुत सीरियस है, तो इसकी पूरी तफ्तीश हो, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन करके फेयर रिपोर्ट लोगों के सामने आए, ऐसा मुझे लगता है। पहली बात तो यह है कि वॉइस जो है वो सुप्रिया ताई जैसा हमको ध्यान में आता है, हम उसको कह सकते हैं कि सुप्रिया ताई का वॉइस है। लेकिन विथ ऑल फेयरनेस मैं ये कहता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर कोई वॉइस डॉक्टर करता है तो इमीडिएटली आपको पता है कि एआई के थ्रू उसको डिसाइफर किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से हमारी ये अपेक्षा होगी एजेंसियों से, क्योंकि ये मसला ये करोड़ रुपये का मसला है, इसलिए हमारी अपेक्षा है कि इसको जल्दी से जल्दी डिसाइफर किया जाए। ये कोई चुनाव का मसला मैं मानता नहीं हूं, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है। महाराष्ट्र में हमने हमारे परिवार के साथ अभी अभी वोट दिया है और मैं सभी महाराष्ट्र के बहनों भाइयों को और विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों को ये अपील करना चाहता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर वो वोट करें, क्योंकि मतदान ये केवल हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारा कर्तव्य भी है। और लोकतंत्र में हम सरकार चुनते हैं और जिसको हम चुनते हैं उनसे ही हम अपेक्षा रखते हैं, तो अगर हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं तो वोट करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बढ़ चढ़कर सब लोग वोट करें। जहां तक विनोद तावड़े जी का सवाल है, मैंने कल भी स्पष्ट कर दिया, न उन्होंने कोई पैसा बांटा, न उनके पास कोई पैसा मिला। जानबूझकर एक बवाल खड़ा करने का प्रयास किया गया, एक इकोसिस्टम को यूज किया गया। जहां तक सुप्रिया सुले जी पर और नाना पटोले जी पर जो आरोप लगे हैं, जिस प्रकार से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ क्लिप्स उन्होंने जारी की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गंभीर इस प्रकार का प्रकरण है। और मैं आज इतना ही कहूंगा, इस प्रकरण की सिरे से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के एलिगेशन लगने के बाद वास्तविकता क्या है ये दुनिया के सामने आना बहुत जरूरी है। एलिगेशन बहुत सीरियस है, तो इसकी पूरी तफ्तीश हो, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन करके एक फेयर रिपोर्ट लोगों के सामने आए, ऐसा मुझे लगता है। पहली बात तो यह है कि वॉइस जो है वो सुप्रिया ताई जैसा हमको ध्यान में आता है, हम उसको कह सकते हैं कि सुप्रिया ताई का वॉइस है। लेकिन विथ ऑल फेयरनेस मैं ये कहता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर कोई वॉइस डॉक्टर करता है तो इमीडिएटली आपको पता है कि एआई के थ्रू उसको डिसाइफर किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से हमारी ये अपेक्षा होगी एजेंसियों से, क्योंकि ये मसला ये करोड़ रुपये का मसला है, इसलिए हमारी अपेक्षा है कि इसको जल्दी से जल्दी डिसाइफर किया जाए। ये कोई चुनाव का मसला मैं मानता नहीं हूं, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।